तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बेस्ट हॉट वाटर केटल की, जो कि हमारे पास हैवल की तरफ से एक्वा प्लस ब्लैक 1.2 लीटर 1500 वाट की। प्रॉपर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको रिव्यू दिखाएंगे कि किस तरीके से पानी गर्म करती है, कैसी दिखती है, इसके साथ में हमको बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलते हैं, कितनी वारंटी गारंटी है और क्या ये लेना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो हैवल्स की ब्रांडिंग है, एक्वा प्लस है, 1500 वाट की बहुत ही पावरफुल है। डिज़ाइन आप यहां पर बॉक्स पर देख सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, प्रॉपर आपको रिव्यू करके दिखाएंगे कि किस तरह की है भाई। तो यहां पर आप देख सकते हो 304 स्टेनलेस स्टील इंटीरियर है, यानी अंदर से ये स्टील की होगी पूरी। मतलब किसी भी तरह की आपको ऐसी शिकायत नहीं होगी कि पानी गर्म करने में आपको किसी तरह की स्मेल आए या आपको टेस्ट में कोई फ़र्क हो, तो ये चीज़ का इसमें स्पेशल ध्यान रखा गया है। कूल टच आउटर बॉडी है, यानी कि जो बाहर की बॉडी है वो बिल्कुल आपको ठंडी रहने वाली है, अंदर से ही गर्म करेगा। उसके अलावा वाइडर माउथ है फॉर इजी यूसेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है, और भी बहुत सी इसमें डिटेल्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर गाइस ये आप देख सकते हो, इसका प्राइस आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर 3295 रुपये शो करता है, बट अमेजोन का मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। 1500 रुपये या उससे सस्ते दामों पर आपको मिल जाता है, कई बार 1400 रुपये प्राइस भी आता है। मैंने 1500 में ली है और उसके एक दिन बाद ये 1400 की हो गई, कई बार 1300 की भी मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है सेल के ऊपर कि कोई सेल चल रही है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर ये चीज़ तो आपने देख ली है सभी, यहाँ पर आपको 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी भी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैंने सुना है कि हैवल्स वाले मतलब कि आपके घर से आकर ही लेकर जाते हैं और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, और अगर कोई भी इसमें दिक्कत आए तो हैवल्स वाले बहुत अच्छे तरीके से भाई आपके रिप्लेसमेंट या रिटर्न कराते हैं। तो चलो वो चीज़ें जो भी हैं वो हमको तो जब यूज़ करेंगे हम उसके बाद ही पता चलेंगी। तो जल्दी से हम इसको ओपन कर देते हैं, तो इसको इस तरीके से ओपन करते हैं। और ये तो भाई मेरी अमेजोन की जो भी स्लिप होगी वो होगी, तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में, और उसके बाद इसको यहाँ से ओपन करना होगा और देख लेते हैं हमको इसमें क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे ऊपर तो भाई यहाँ पर हमको केटल मिलती है, उसके साथ में ये जो चीज़ है गाइस, इसके ऊपर ही आपकी जो मतलब गर्म होता है, ये इसमें आपकी कोड होती है और आपका स्टैंड होता है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में और देख लेते हैं और हमको क्या मिल रहा है। और हमको ये मिल रहा है हैवल्स का वारंटी गारंटी कार्ड होगा, ये यह वारंटी कार्ड है, और कुछ छोटी मोटी यूज़र मैनुअल टाइप की होगी ये जो भी है। तो यहाँ पर आप मॉडल नंबर देख सकते हो, एक्वा प्लस ब्लैक, और 2 साल की भाई इसमें आपको वारंटी मिलती है। तो वारंटी है, गारंटी नहीं है, तो यानी कि आपका रिप्लेसमेंट होगा, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार इलेक्ट्रिक चीज़ है कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो अच्छे ब्रांड का लेंगे आप तो आपको हमेशा ही बेनिफिट होता है। तो बस 2 चीज़ें ही मिलती हैं, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आपको एक केटल मिल जाती है और आपको मिल जाता भाई एक ये स्टैंड। सबसे पहले मैं आपको स्टैंड दिखा देता हूँ, स्टैंड में और क्या है। स्टैंड में गाइज ये है जिससे आपका गर्म होता है, ये जो वाटर केटल होती है हॉट वाटर केटल। तो ये आपको जो वायर मिल रही है वो कितनी मिल रही है वो देख लेते हैं हम। तो वायर गाइज आपको लगभग 1 मीटर की मिल जा रही है, 1 मीटर के आसपास की वायर है, और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती क्योंकि ये 1500 वाट की केटल होती है, इसलिए ये जो वायर्स होते हैं थोड़ी छोटी ही मिलती हैं। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा इंतजाम कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसी अगर आपके पास कोई हैवी प्लग है आपके घर में तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें 3 पिन प्लग ये मिल जा रहा है आपको यहाँ पर, और पीछे से दिखाया तो मैं तो पीछे से कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, डू नॉट इमर्ज इन वाटर। तो पानी में भाई इसको नहीं डालना है आपने, और जो बाकी चीज़ें हैं इसमें डिटेल्स आपको देखने को मिल जा रही हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ साइड में, और यहाँ पर ये है हमारी वाटर केटल। तो ये भी भाई पूरी पैक हुई पड़ी है, तो इसको मैं निकालूँ क्योंकि भाई इसी को देखने के लिए तो अभी तक आप रुके हुए हो। तो ये आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छी शाइनिंग लुक यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। लुक के वाइज तो मतलब इससे बढ़िया तो कोई आपको शायद ही मिले, जितनी अच्छी इसकी लुक दिख रही है, बहुत ही प्यारी लुक दिख रही है। यहाँ पर आपको हैवल्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है, जहाँ पर लिखा हुआ है हैवल्स, और साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, हाथ में पकड़ने के लिए ठीक है। और नीचे यहाँ पर आपको ये जो चीज़ है इसके थ्रू ही ये गर्म होती है, जो आपको स्टैंड है यहाँ पर, आपको यहाँ पर रखना होता है इसको और उसके बाद इसको प्लग ऑन कर देना होता है। पावर आपको बताई हुई कितनी है इसका, यहाँ पर ऑन और ऑफ का स्विच है, तो ये आप देख सकते हो ऑन हो गया, ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है। बट कई बार लोग कह रहे थे कि भाई कोई दिक्कत आती है अगर वो दूध वगैरह उबालते हैं, तो भाई ये मेनली वाटर केटल होती है तो इसमें मेनली आप पानी उबालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई लोग इसमें मैगी भी बनाते हैं, कई लोग चाय भी बनाते हैं, बट मैं तो यही चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह इसमें बनाते रहते हो तो अगर आप इसमें पानी गर्म करोगे तो हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, क्योंकि अब ठंड है, अब आपको पानी तो गर्म पीना ही पड़ता है। तो उस वजह से गाइस हमको ज़्यादातर मेनली पानी गर्म करने के लिए ये चाहिए होती है,
बट अगर आप बाकी चीज़ें बनाते हो तो इसको आपको धोते हुए अच्छे से धोना पड़ेगा, अदरवाइज़ भाई थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आया था, क्योंकि है मेनली स्टेनलेस स्टील ही। इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ, तो ये बटन भाई दिया हुआ स्पेशल, यहाँ पर एरो भी देखने को मिल जाएगा आपको, तो इसको आपने दबाना है और ये खुल जाएगा। एक बार दबाते हो तो भाई ये खुल जाता है, और खुला ही रहता है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर ये खुला ही रहने वाला है। और उसके बाद आप अंदर से देख सकते हो भाई, यहाँ पर स्पेशल जो स्टील है उसका SUS 304 लिखा हुआ है, ताकि आपको पता चले कि सबसे अच्छी क्वालिटी का स्टील यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर भाई देख सकते हो, कई लोग भाई यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर छेद क्यों हुए पड़े हैं, तो भाई यहाँ पर छेद इसलिए हुए पड़े ताकि पानी यहाँ से जब आप इसमें गर्म कर लो तो इसके थ्रू पानी आप इसमें से जहाँ पर भी लेना है ले सकते हो डायरेक्ट, तो आपको इसको खोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से पानी पलटाओगे, आपने पानी यहाँ से पलटाना है, और या कोई भी चीज़ जो भी बनाते हो यहाँ से पलटाना है। तो भाई दूध वगैरह के लिए अगर आप इसमें गर्म करते हो तो उसमें आपको पता है जो ऊपर से छाछ निकलती है, तो उसकी वजह से कई बार जो ऑटो कट का बटन है ये काम नहीं करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि भाई दूध वगैरह जो उबालना तो इसको थोड़ा बंद मतलब कि ढक्कन खोल के उबालना। और बाकी मेनली तो ये वाटर के लिए ही होती है, पानी के लिए होती है, मेन काम इसका बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है भाई। मेरे को पता है मेरे रोकने से तो आप मानोगे नहीं, हो सकता है कुछ लोग इसमें मैगी भी बनाएंगे, हो सकता है कुछ लोग चाय भी बनाएंगे, तो आपकी मर्जी है, आप ट्राई कर सकते हो, आपकी चीज़ है भाई, जो आपका मन करे वो करो। जब आप ले ही लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे कर दोगे बंद हो जाएगा, खोलना है बस, बटन को दबाओगे खुल जाएगा, उसके बाद इसको बंद करना है, तो आराम से सिंपल ऐसे बंद कर सकते हो। और अगर मैं इसको दोबारा बटन दबाऊं तो दोबारा बटन दबाने से कुछ नहीं होता, एक बार बटन दबाने से खुलता ही है, बंद आपको मैन्युअली ही करना पड़ता है। और प्यार से बंद कर दीजिए, प्रॉपर ये बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, अब बस इसमें पानी गर्म करके दिखा दूँ, और चलो फिर पानी गर्म करके दिखा देता हूँ आपको मैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो इसकी वायर है उसके लिए यहाँ पर स्लॉट थोड़ा सा दिया हुआ है, रुकिए थोड़ा सा मैं और नज़दीक आकर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्लॉट दिया हुआ है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है अपने स्विच से, और यहाँ पर आप इसको दबाकर ऐसे रख सकते हो ताकि आपका ये बिल्कुल सीधी तरीके से आ जाए। अब इसमें आपने इसको रख देना है जो आपके वाटर कैटल होती है, तो ये इसमें ऐसे आ जाती है, देख लीजिए, कोई मतलब ऐसा नहीं है, 360 डिग्री रोटेटेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से घूम जाती है, तो जैसे मर्जी आप इसको रख दीजिए। अब इसमें आपने पानी डालना है, तो मैं पानी डाल के देख लेता हूँ, तो मैंने भाई इसमें पानी डाल देना अब इसमें, और उसके बाद इसको चेक कर लेता हूँ, तो पानी मैं इसमें डाल लेता हूँ। तो गैस यहाँ पर मैं पानी डाल दे रहा हूँ इसमें, पानी काफ़ी बड़ा भाई इसका मुँह है, तो पानी डालने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीजिए मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि मेरे को पानी गर्म ही करना था, तो मैं आपके सामने ही गर्म कर लेता हूँ और देखता हूँ भाई कि किस तरीके का होता है। तो गाइस सबसे पहले अपना आप यहाँ से पावर से ऑन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बटन है ऊपर की तरफ ऑफ होता है और ये नीचे की तरफ ऑन होता है, तो मैंने इसको नीचे की तरफ कर दिया है, यहाँ पर लाइट भी जल जाती है और यहाँ पर पानी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। और गाइस काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर गर्म हो रहा होता है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर पानी गर्म होते हुए, तो आपको उसमें भी दिख जाएगा और मैं इस वाले से भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए गाइस बुलबुले से होने लगे हैं पानी में, यानी कि पानी गर्म होने लगा है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये अपने आप बंद होगा या नहीं होगा, अगर ये अपने आप बंद हो जाएगा तो यानी कि कामयाब है, और अगर अपने आप ये बंद नहीं होता है तो सोचने वाली बात है। तो मैं इसकी जो ढक्कन है उसको बंद कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ढक्कन खुले रहने से इसको बंद होने में कोई दिक्कत आए, तो मैं पहले इसको ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद मैं ढक्कन को बंद कर देता हूँ। ढक्कन को मैंने बंद कर दिया और अब मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ दोबारा से। चलिए गाइस अब देख लेते हैं कि अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये क्या ऑटोमेटिक ऑफ होगा या नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं ये देखने के लिए कि, और कोई भाई किसी ने ये वीडियो भी बनाई शायद जो इसको प्रॉपर करके दिखाए कि क्या ये ऑटोमेटिक ऑटो कट लगता है कि नहीं इसमें, तो ये चीज़ देखने वाली बात है, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैंने पूरा भर के पानी नहीं डाला इसमें, थोड़ा कम ही पानी डाला है, तो क्या ये ऑटोमेटिक ऑफ होगा। तो इसमें थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी, और ये आवाज़ आना तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि भाई कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे वाले में आवाज़ आ रही है, तो पानी जब गाइस गर्म होगा तो ये आप आवाज़ सुन सकते हो जो आवाज़ आती है। तो पानी तो भाई पूरा खोल गया है, अभी तो ये बंद नहीं हुआ है, मैं देख लेता हूँ कि कितना टाइम लगता है, क्या ये बंद भी होता है या नहीं। पानी तो गाइस खोल गया है बट ये ऑटोमेटिक बंद तो नहीं हुआ है, तो अब जब आपको आवाज़ आ चुकी है कि पानी खोल चुका है तो अपने आप ही बंद कर दीजिए। हो सकता है ये जब बहुत ज़्यादा हीट कर जाता हो तब ये ऑटोमेटिक बंद होता हो, क्योंकि मेरे को तो बंद होता यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लगभग टाइम हो चुका है मुझे लगता है, और पानी तो पूरा गर्म हो चुका है क्योंकि मेरे को खोलने की इसकी आवाज़ आ चुकी है, और इससे तो हमने क्या ही खुलाना है, तो मैं खुद ही इसको बंद कर देता हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तो आप खुद ही बंद कर दीजिएगा, ये लीजिए।
तो मैंने यहाँ पर खुद ही बंद कर दिया क्योंकि पानी तो भाई पूरा खोल गया है, तो अब मैं तो भाई ढक्कन भी नहीं खोलने वाला क्योंकि भाप बन रहा होगा इसमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो पानी है देखो भाप भी उड़ रही है, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, यहाँ पर भाप सी भी उड़ रही है, मेरे को कैमरे में दिख रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता ये चीज़ का, बट गाइस पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, ये देखो भाप उड़ रही है पूरी पूरी। देखो मैं तो इसको छूकर देखता हूँ मैं गाइस, छू ये ढक्कन तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है और बॉडी इसकी बहुत मामूली, मतलब गर्म आपके हाथों में बिल्कुल भी फील नहीं होगी कि 1% भी गर्म है, मतलब हल्की सी, बहुत हल्की सी गर्म सी फील होती है ज़रूर, बट आपको मतलब हाथ जलने वाला नहीं है, हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये चीज़ भाई ये सब चीज़ें जाननी जरूरी होती हैं। अब उसको मत छूना भाई, वो चीज़ स्टेनलेस स्टील की दिख रही है वो गर्म होगी, अब उसको छूकर मैं नहीं देखने वाला हूँ। चलो फिर पानी मैं अपनी गर्म बोतल में पलटा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैं अपने इसमें जो पानी है उसको अपने गर्म बोतल में पलटा लेता हूँ और देखते हैं भाई किस तरीके का गर्म पानी है। इसको मैं साइड करूँ और यहाँ पर इसको मैं पलटा लेता हूँ इसमें, भाई पूरा फुल गर्म है, देखने को आपको मिल रहा होगा इसमें भाप निकल रही है पूरी बहुत। चलो फिर ये काम तो सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फीचर है ऑटो शट ऑफ का, वो इसलिए इसमें ऐसे तरीके से वर्क करता है क्योंकि नॉर्मली जो लोग होते हैं कोई कम गर्म करता है पानी को, कोई ज़्यादा गर्म करता है, तो अगर ये ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाएगा तो भाई आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी, आपको कितना गर्म करना है वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक फिक्स लेवल पर हो जाएगा, इसलिए ये ऑटो कट नहीं होता है ऑटोमेटिकली, आपको ऑन ऑफ अपने हिसाब से करना पड़ता है। और जो ऑटो कट का फीचर है वो सिर्फ अगर कभी मिस हैपनिंग होने के चांस होते हैं तब ही होगा, या आपकी वाटर कटर खराब ना हो सिर्फ तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सारी जानकारी है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका बैंक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको, तो वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं, बहुत ही भाई बहुत अच्छा है चीज़ है, स्पेशली अगर ठंड है जैसे कि अभी, तो आपको बार बार भाई पानी गर्म करना पड़ता है, तो आपकी गैस जो है उसकी बचत हो उस लिए भी आपके ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बाद ये आपकी बहुत ढेर सारी जो गैस है, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा महंगी हुई पड़ी है इस टाइम पर, जो रसोई गैस होती है हमारी, तो LPG गैस, तो उसको भी ये बचाएगा, यानी उसका खर्चा बचाएगा, तो 1500 रुपये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है आपके लिए, लेना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।